नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मौत में ही जिंदगी को तलाशते हैं और उन्हें कहते हैं अघोरी। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको अघोरियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में अघोरियों की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे। मौत यानी जिंदगी का आखिरी पड़ाव, ऐसा पड़ाव जहां आने के बाद दुनिया की सभी चीजें बेनाम हो जाती हैं। मगर जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दों को नोच कर उनमें जिंदगी तलाशते हैं। उनके लिए इंसानी खोपड़ी शराब पीने का प्याला बन जाता है और मुर्दा बन जाता है निवाला, शमशान बिस्तर बन जाती है और चिता चादर बन जाती है। उन्हें अघोरी कहते हैं, जो घोर नहीं हो, यानी जो सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में सम्मान भाव रखते हैं। जरा सोचिए वो मंजर क्या होगा जब दुनिया सोती है और वो जागते हैं। तो आज हम ऐसे लोगों की जिंदगी से पर्दा उठाएंगे जो मुर्दों से जिंदगी उधार लेते हैं और उनकी खुद की जिंदगी कई सालों से रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है शमशान की साधना में इंसानी चादरों को फेंक देने वाले अघोरियों की। यह अघोरी भी इंसानी समाज का ही एक हिस्सा है। यह भारत के प्राचीन धर्म शिव यानी शिव साधना से संबंधित है। अघोरियों को इस संसार में भगवान शिव का जीवित रूप माना जाता है। शिव जी के पांच रूपों में से एक अघोर रूप भी है। अघोरी हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी है। अघोरियों की साधना और विधि सबसे ज्यादा रहस्यमय है। उनकी खुद की अपनी शैली, अपना विधान और अपनी शिक्षा है। अघोरी सड़े जीव का मांस भी उतने ही स्वाद से खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरी मुख्य रूप से शिव की साधना करते हैं। उन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, उनकी अपनी दुनिया होती है, अपने नियम होते हैं और जिन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अब आपको बताएंगे अघोरियों की दुनिया के क्या होते हैं नियम। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी ही बातें बता रहे हैं, साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आज आप जानेंगे जहाँ अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। अघोरी तीन तरह की साधनाएं करते हैं, शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है।
ऐसी साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और शराब चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अलावा तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है और उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। अघोरियों की दुनिया हमारी दुनिया से बेहद अलग होती है। वो हमारी तरह का भोजन नहीं करते, वो मांस और मदिरा का पान करते हैं। अब आपको बताएंगे किस तरह अघोरी तंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित किया जाता है। पानी में प्रवाहित हुए ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढ कर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने और सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाए तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे वो बहुत गुस्से में हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी मुर्दों और राग के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। जहां उनके नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा मिलती है, तो वहीं वो अपने नियमों के बहुत पक्के भी होते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धूनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कोई बात कह दें तो उसे पूरा ही करते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर सभी चीजों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दों के मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव नहीं जाता, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र ही पी लेते हैं। अघोरी अमूमा नाम दुनिया से कटे होते हैं। वे अपने में मस्त रहने वाले अधिकांश समय दिन में सोने और रात में शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र का ही जाप करते रहते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 ही शमशान घाट ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्द ही मिलता है। ये है तारापीठ शमशान, कामाख्य पीठ शमशान, त्रंबेशकरम शमशान और उज्जैन का शमशान। तो आज हमने अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए खास मुलाकात।